अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे सीनियर सिटीज़न जो ग्रुप है उधर से एक सवाल आया है कि एक 38 साल मेल है जिसे कोलेस्ट्रॉल हाई है, वो एक्सरसाइज भी रेगुलरली करता है, उसके ख़ानदान में दिल की बीमारी भी है, उसके खाने की जो हैबिट्स हैं वो भी वो अगर चीज इतनी अच्छी नहीं है, तो कोई हमें बताइएगा कि इसको दवाइयाँ कब शुरू करें और क्या होना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। एक बात आप समझिए कि जो साउथ एशियंस हैं, ये जनूबी एशियाई लोग, इनमें दिल की बीमारियां जिसे हम हार्ट अटैक वगैरह कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे शुगर भी बहुत ज़्यादा है। अब मैंने आपके जो रिजल्ट्स देखे उसमें इनका टोटल कोलेस्ट्रॉल 238 है। अब अगर आप सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेते हैं और 38 साल आदमी को लेते हैं तो इसमें फ़िलहाल आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम ये करते हैं कि हम इसका रिस्क कैलकुलेट करते हैं और हमारे साथ ऐसे रिस्क स्कोरिंग तरीके हैं, उसमें इस साहब का, ये जो शख्स है, इनका रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है। अब ये क्या कर सकते हैं, उसमें यही है कि आपने बताया कि इसकी खुराक की हैबिट्स जो है वो अच्छी नहीं है। आप 20% तक कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। तो अभी इनका 238 है, तो 20% का तकरीबन ये मतलब हुआ कि 50 तक इसको आप कम कर सकते हैं। तो 238 से आप 170 तक आसानी के साथ आ सकते हैं। और उसके तरीके ये हैं कि चिकनाई को कम किया जाए और वो बड़ी आसानी से कम हो सकती है। तली हुई चीज़ें हो गई, ये कम की जाए, और ख़ुसूसन डीप फ्राइड होते हैं। इसी तरह आप देखें ना, पराठे अगर वो खा रहे हैं तो उसके बजाय सादा रोटी लें, और इसी तरह अगर वो पकौड़े समोसे, ये केक और ये कन्फेक्शनरीज, चीनी और इसी तरह अनाज वाली चीज़ें, रोटी चावल वगैरह हो गए, इसकी मिकदार कम करें और उसके बजाय सब्ज़ी, सैलड्स और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो उससे 20% तक कम हो सकता है। इसके साथ अगर आप थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लें, और एक्सरसाइज के मुतालिक ये है 30 मिनट कम अज़ कम दिन में आप एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज से मुराद ये है कि आप तेज़ चलना भी एक्सरसाइज है, साइकिल चलाना एक्सरसाइज है, ये इस तरह के जिसमें आपकी दिल की धड़कन 100 से ऊपर हो जाती है, तो ये इस तरह की एक्सरसाइज करें, तो अदरवाइज़ इसको अभी दवाई की ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया।